दोस्तों अमेरिका अपने लिए तेल सऊदी अरेबिया से, कार जापान से, टीवी कोरिया से व विस्की स्कॉटलैंड से इंपोर्ट करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह इंडिया से क्या इंपोर्ट करता है? आपको जानकर यह हैरानी होगी कि अमेरिका इंडिया से टैलेंटेड लोगों को इंपोर्ट करता है, और यही वजह है कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से लेकर अभी हाल ही में बनाए गए ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल जैसे अमेरिका की टॉप कंपनियों के चेयरमैन व सीईओ जैसे पद पर भारतीय मूल के ही नजर आते हैं। अब यूं तो हम इन भारतीय लोगों को देखकर गर्व महसूस करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि भारत के ये टैलेंटेड लोग आखिर भारत को छोड़कर अमेरिका जैसे दूसरे देशों में क्यों चले जाते हैं, और इन लोगों को ऐसे जाना हमारे देश के लिए कोई चिंता का विषय है या नहीं? इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों आज की बात करें तो अमेरिका की टॉप कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, ट्विटर आदि, इन सभी चीजों में जो कॉमन नजर आती है वह यह है कि इन सभी कंपनियों के चेयरमैन और सीईओ मुख्य पदों को भारतीय मूल के लोग ही संभाल रहे हैं। और इस सूची में सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, अरविंद कृष्णा और शांतनु नारायण के साथ ही पराग अग्रवाल का नाम भी शामिल हो गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में ट्विटर के सीईओ पद पर जैक डोर्सी को रिप्लेस किया था। और ये तो सिर्फ वो लोग हैं जो अमेरिका की फेमस मल्टी मिलियन और मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनी को संभाल रहे हैं, जबकि इसके अलावा आज अमेरिका में न जाने और ऐसी कितनी कंपनीज हैं जिनके अहम पदों पर भारतीय मूल के लोग ही नजर आते हैं। वैसे अमेरिका के अंदर इंडियन अमेरिकन लोगों की पॉपुलेशन की बात की जाए तो यह अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन का केवल 1-1.5% ही निकल कर आता है। अब ऐसे में कितनी कम आबादी होने के कारण भी जिस तरह भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिका के अंदर कामयाबी हासिल की है उसे देखकर सभी लोगों को काफी हैरानी होती है। दोस्तों किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर पेशेंस होना जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों सत्या नडेला व सुंदर पिचाई की बात करें तो वो भी कोई रातों रात सीईओ नहीं बन गए। हम बात करें सत्या नडेला की तो उन्होंने भी लगभग माइक्रोसॉफ्ट में 20 साल तक काम किया, और वही सुंदर पिचाई ने गूगल में लगभग 11 साल की मेहनत व चुनौती को पार करके सीईओ के पद पर पहुंचे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं टैलेंटेड लोगों का विदेशों में काम करना हमारे लिए गर्व की बात है या कोई चिंता का विषय। दरअसल जब भारतीय लोग विदेशों से पैसा कमाकर भारत में भेजते हैं तो वह पैसा भारतीय इकोनॉमी में एक बूस्टर का कार्य करता है, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि जब अधिक सफल भारतीय लोग इमिग्रेट करके हमेशा के लिए भारत को छोड़कर चले जाते हैं, और आंकड़े इस चीज का प्रूफ है कि जब इमिग्रेशन बढ़ता है तो बूस्टर के रूप में आने वाला पैसा घट जाता है, इसलिए इस तरह टैलेंटेड लोगों का इमिग्रेट करके दूसरे देशों में हमेशा के लिए बस जाने पर वह देश के लिए एक चिंता की बात होती है। बसंत, मैं यही कहना चाहूंगा करते चलो बढ़ते चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।